आप सभी को नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है जीरो एफआईआर क्या होती है। हर एफआईआर का एक नंबर होता है, पर एक जीरो एफआईआर भी होती है, उसका क्या मतलब है। जब पुलिस किसी ऐसे अपराध की घटना को दर्ज करती है जो उसके ज्यूरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार से बाहर है और उस एफआईआर को अपने सही क्षेत्र अधिकार को में वाले स्टेशन में भेजा जाना है, तो वो बिना नंबर के एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसे जीरो एफआईआर कहते हैं। इस एफआईआर को सही जांच करके तथ्यों को सत्य पाने के आधार मतलब जब होने पर या फिर सत्य होने के संदेह पर भी सही क्षेत्र अधिकार पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है और जहां इस एफआईआर को जो साधारण एफआईआर की तरह ही एक नंबर मिलता है और आप की इस साधारण एफआईआर की ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है। देखिए, अगर ऐसा होता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी बेटी किसी दूसरे शहर में रह गई और रात को आपके पास आपकी बेटी का फोन आता है कि उसके पति उसे मार पीट रहे हैं और बाद में फोन बंद हो जाता है, जैसे कि किसी ने उसे बंद कर दिया हो या फिर उसे तोड़ दिया हो, तो आपके पास कोई और साधन नहीं है, आप जाने कि आपकी बेटी कैसी है। तो ऐसे में आपका घटना स्थल पर पहुंचना लगभग मुमकिन या नामुमकिन और मुश्किल है। तो आप अपने नजी आसपास के जो वास्तव में आपके पास में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में पुलिस आपकी एफआईआर बिना नंबर के जीरो एफआईआर के में दर्ज करेगी और वो उसे सही पुलिस स्टेशन में भेज देगी और उस पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसी समय अभी पुलिस कहेगी कि आप इसी समय इस पर कार्रवाई करें और उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी को उसकी बात को मानना पड़ेगा। अगर शिकायतकर्ता को, मैं एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, किसी लड़की का रेप हुआ है और वो उस घटना स्थल या फिर उस क्षेत्राधिकार मतलब जो पुलिस स्टेशन के मतलब वहां से भागकर दूसरे पुलिस स्टेशन में आ जाती है, ये सोचकर कि अगर उसने वहां पर एफआईआर के लिए पुलिस मतलब जो है मतलब मान लो एक पर्टिकुलर जगह पर रेप हुआ है और वहां से वो भाग के दूसरी जगह आती है और वहां पर पुलिस स्टेशन में इसलिए आई है कि जिस जगह पर रेप हुआ है वहां पे तो वो अपना प्रभाव दिखाकर लड़की को दबा के वहां पे अपराधी जो है वो उल्टा उसे ही फंसवाना दे, तो ऐसे में किसी दूर सुरक्षित राज्य या क्षेत्र में जाकर वो पुलिस को अपनी घटना बताए और पुलिस अधिकारी उसकी शिकायत पर जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे और फिर उस पुलिस स्टेशन पे जहाँ पे जिसके क्षेत्राधिकार में ये कांड मतलब ये घटना घटी है उनको तलब करेंगे कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और उसके लिए उस पुलिस अधिकारी को ये बात माननी पड़ेगी। आपको याद होगा आसाराम बापू के ऊपर जो शिकायतकर्ता जो रेप है वो जोधपुर में हुआ और उससे कई साल के बाद मतलब उसने जो अपनी जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी वो दिल्ली में जाकर कराई थी, जिसके बाद उस एफआईआर को जांच के लिए जोधपुर भेजा गया और आसाराम बापू के खिलाफ केस चल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होती है जीरो एफआईआर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में जो भी पूछना हो मुझसे पूछिएगा, फोन मत करिएगा। मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का 9654868881 और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय राम जी।